चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करते हैं सरलीकरण के बारे में, ठीक है। उसको सिंप्लीफिकेशन भी कहते हैं और वो भी बोर्ड मास भी, ठीक है। कहीं कहीं पे बोर्ड मास भी सीधे कहा गया है। तो चलिए इसी चैप्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो सरलीकरण है, ठीक है, तो उसको कुछ इस आधार पे बनाया जाता है, ठीक है, भी बोर्ड मास के कुछ रूल के अनुसार। देखिए, भी BODMAS भी बोर्ड मास, उसको इस तरीका से अरेंज किए हैं और इसका फुल फॉर्म इस तरीका से लिखाते गया है। देखिए, भी जो है यहाँ पे भिन कूलम है, उसी तरीका से बी से ब्रैकेट है, ओ से ऑफ है यानी उसको ऑर्डर कहिए, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लाइकेशन, ए से एडिशन, ए से सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और साथ में इसका अर्थ हिंदी में हो गया रेखा, कोष्ठक या बार। ये ब्रैकेट है, अच्छा, इसको अंग्रेजी में यहाँ बारे कहते हैं, बार को बारे कहते हैं, BAR, ठीक है। ब्रैकेट है तो इसको कोष्टक, ऑफ का मतलब हो गया का, डिवीजन मतलब भाग, मल्टीप्लाइकेशन मतलब गुना, एडिशन मतलब जोड़ और सब्ट्रैक्शन मतलब घटाओ, आप लोग को पता ही है। साथ में इसका संकेत कुछ देखिए, घटाओ का ये साइन है, संकेत है, जोड़ का संकेत ये है, गुना का संकेत ये है, भाग का संकेत यह है। जैसा कि हमने आपको जोड़ घटाव गुणा भाग ऑलरेडी पढ़ा रखा है और आप लोग भी जानते ही हैं कि इस तरीका से ये घटाव जोड़ गुणा भाग का साइन होता है, आपको आसानी से पता है। चलिए, का इका, यहाँ का अर्थ होता है का, जहाँ रहेगा पहले क्रिया इसका करेंगे। का अर्थ भी होता है दोनों संख्याओं के बीच में गुना का बोध होता है, ठीक है, गुना करना रहता है। लेकिन याद रखना है, का रहे या गुना रहे दोनों साइन दिखे तो पहले हम का क्रिया करेंगे, ठीक है। गुना वाला संख्या कहीं अलग दिखे तो उसको बाद में क्रिया करेंगे, पहले का के करेंगे, ठीक है। अब देखिए, कोष्टक में भी तीन प्रकार के कोष्टक होता है, यह छोटी ब्रैकेट है, मझले ब्रैकेट है, आई बड़ी ब्रैकेट है, ठीक है। आ इसमें बार या रेखा का मतलब होता है बड़ा सा लाइन। किसी भी संख्या सरलीकरण में सजाया रहेगा, अगर पहले नियम इसका हल करना है, लेकिन अगर बड़ा सा प्रश्न में बोर्ड मास में अगर दो गो संख्या प्लस के बीच में अगर ये रेखा कोष्टक का प्रयोग कर दे उसके माथा पर, तो इसके रहले के बावजूद भी पहले जिसके ऊपर लाइन काटा रहेगा उसका क्रिया करेंगे, यानी कि रेखा कोष्टक का पहले काम करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी क्रम से ये सरलीकरण बनाए जाते हैं, इसी नियम को फॉलो करते हुए, ठीक है। फिर से देखते हैं, भी है, चलिए वेनकुलम या बार कहिए, रेखा कोष्टक यानी रेखा कोष्टक इस तरीका से कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी, उसके माथा के ऊपर ही लाइन काटेगा ऐसे, ठीक है। ब्रैकेट उसको कोष्टक कहते हैं, ब्रैकेट में भी होता है छोटी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। एगो यहाँ पर मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब भी घर में खाना बनाया जाता है तो सबसे पहले छोटा बच्चा खाता है खाना, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा लोग खाते हैं और लास्ट में बड़े बुजुर्ग घर के जो सदस्य, आपके माता पिता, दादा दादी जो भी, वो अंतिम में खाना खाते हैं। कुछ इसी तरीका से ये भी फॉलो करता है नियम, सबसे पहले ये छोटी ब्रैकेट का क्रिया करेंगे, उसके बाद इस जब संतुष्ट हो जाए पूरी तरीका से प्रश्न में ये हट जाए, उसके बाद मझली ब्रैकेट के काम करेंगे, जब इसका भी काम खत्म हो जाएगा तो हम लास्ट में बड़ी ब्रैकेट के काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और देखिए, यहाँ हम लिखे हुए डू फर्स्ट एंड डू लास्ट, और तीर का हम इस तरीका से साइन बनाए, इसका मतलब है कि पहले इसका क्रिया करेंगे, उसके काम खत्म होने के बाद इसका क्रिया, तो इसका काम खत्म होने के बाद इसका क्रिया, इसका क्रिया, इसका क्रिया, इस तरीका से अंतिम में घटाव की क्रिया करते हैं। याद रखना है, रेखा कोष्टक का पहले काम, उसके बाद कोष्टक का काम, कोष्टक में भी छोटी ब्रैकेट पहले, उसके बाद
मझली ब्रैकेट उसके बाद बड़ी ब्रैकेट, उसका काम खत्म होगा तो का के बाद क्रिया करेंगे भाग के बाद गुना करेंगे, गुना क्या, गुना के बाद जोड़ के। ओके सर पहले घटाव ना होना चाहिए? नहीं। अब यहाँ मेरे दोस्त जोड़ देखिए, जोड़ का अर्थ आप क्या समझते हैं? खाली प्लस वाला जोड़ दो प्रकार का होता है, आपको बोले थे ना, एक पॉजिटिव जोड़ एक नेगेटिव जोड़ बोले थे। जोड़ अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ जाके देख सकते, जोड़ नाम का चैप्टर दिए हुए कि एडिशन क्या है, जोड़ क्या है, उसमें अच्छा से बताए हुए। तो यहाँ जोड़ का अर्थ है कि जोड़ना तो है लेकिन सभी पॉजिटिव वाला को पॉजिटिव वाला के साथ, प्लस वाला को प्लस वाला के साथ जोड़ते हैं और माइनस वाला को माइनस वाला के साथ। एक और उदाहरण देखना चाहूँ तो माइनस को हम लोग थोड़ा देर के लिए कह सकते हैं कि कर्ज ली गई राशि है, आ प्लस यानी धनात्मक यानी कि अपना धन है। तो सोचिए आप कर्जा अलग अलग प्रकार से लीजिएगा तो सब कर्जबा के एक जगह जोड़िएगा कि नहीं? अपना धन है तो सब अलग अलग कमाए हैं तो एक जगह जोड़िएगा, तो सधाने जाइएगा। अगर कितनों कमाइए, अगर कर्जा ज़्यादा हो गया जोड़ने पर आप कम कमाए हैं तो सधाने के बाद भी कुछ कर्जा बचल है, आ कर्जा ले ले उससे ज़्यादा आप कमा लिए अपना पैसा, सधाने जाइएगा तो आप सधा दीजिएगा पूरा कर्जा, तैयो आपके पास धन अपना बचल है कि नहीं? तो वही बात यहाँ जोड़ के, यहाँ अर्थ है कि माइनस वाला सभी को माइनस वाला के साथ जोड़ेंगे और प्लस वाला को सभी को प्लस वाला के साथ जोड़ेंगे। और जब हम क्वेश्चन अभी बनाएंगे उदाहरण देंगे तो उसमें तो दिख ही जाएगा, फिलहाल समझिए। आ अंत में जब ऐसा काम कर देंगे तो दो गो बचेगा संख्या, दो गो संख्या के बीच घटाना रहेगा, तो वहाँ लास्ट में घटाव की क्रिया करेंगे। साथ में ध्यान रखेंगे अगर पॉजिटिव वाला मान बड़ा है तो आंसर घटाने के बाद पॉजिटिव में प्लस में आएगा, नेगेटिव वाला यानी माइनस वाला बड़ा मान वैल्यू रहेगा तो घटाने के बाद रिजल्ट माइनस में आएगा। ये सारे क्रियाएं तो ठीक है, सब जानता है कि ठीक है बोर्ड मास इसी नियम से बनता है। पहले रेखा कोष्टक के काम करते हैं तो कोष्टक में भी छोटी ब्रैकेट मझली ब्रैकेट तो बड़ी ब्रैकेट, तो का के क्रिया करते हैं भाग के क्रिया गुना के क्रिया। आप कहेगा सर रेखा कोष्टक नहीं रहेगा, का नहीं रहेगा, कोष्टक रहेगा। हाँ तो बउआ रेखा कोष्टक नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा तो उसका चर्चा ही नहीं करना है। जे रहेगा ये प्रश्न में से जिसका पहले बारी आना चाहिए उसी को पहले क्रिया करेंगे। इसका मतलब है कि आप इस तरीका से क्रम को ध्यान में रखिएगा। तो ये सब तो क्रम सबको पता रहता है, ध्यान में रहता ही है। थोड़ा समय यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा यह कि कई बार ब्रैकेट तोड़ते समय हम लोग झटपट में तोड़ देते हैं, वहाँ से सब काम हम प्रश्न ठीक ही बनाते हैं। ब्रैकेट तोड़ जैसे ही ब्रैकेट हटने से पहले वो देखेगा अपने से पहले वाला साइन को, साइन में जब भी ब्रैकेट लगा रहता है इसका मतलब वहाँ दो साइन छिपा हुआ है। संख्या के पहले वाला संख्या ब्रैकेट के बाहर है, अगर उसके बाद कुछ साइन है तो साइन से अंदर वाले को गुना कराया जाता है, या कोई संख्या भी है ना उसके बगल में पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव में, तो उस संख्या से गुना कराने वक्त भी ध्यान रखना होगा। तो गुना या भाग करने का हमने एक नियम बताया था, गुना के लिए रहे चाहे भाग के लिए रहे, तो फिलहाल ब्रैकेट तोड़ते समय तो गुना का ही बोध होगा। तो उस समय आपको उस सिचुएशन में एक बात को ध्यान रखना होगा कि जब प्लस वाला संख्या को प्लस वाला संख्या के साथ गुना कराएंगे तो रिजल्ट प्लस में आएगा। अभी संख्या कुछ हम नहीं लिए, माइनस वाला संख्या को माइनस वाला के साथ, ठीक है, माइनस वाला संख्या को माइनस वाला के संख्या के साथ गुना करेंगे तो रिजल्ट बाद जो ब्रैकेट टूटे के बाद जो दिखने लगेगा वो कथी में दिखने लगेगा? प्लस में। गुना करेंगे जरूर लेकिन वैल्यू कथी में हो जाएगा? प्लस में। आ प्लस प्लस है तो गुना करेंगे तो वैल्यू किस में रहेगा? प्लस में रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार हम लोग कर देते हैं कि अच्छा प्लस प्लस है तो प्लस है, माइनस माइनस है तो माइनस में छोड़ देते हैं, जिसके कारण गलती हद तो तब हो जाएगी जब प्लस गुने माइनस करना रहेगा, इसका रिजल्ट आना चाहिए माइनस, आप पहले प्लस देखे के कारण अब ब्रैकेट तोड़ के प्लस में लिख दीजिएगा तो काम खराब हो जाएगा। आ कभी कभी आप बुद्धि लगाए कि ऐसे कैसे बाह अंदर था माइनस तो माइनस लिख दिए, तो सुनिए कभी कभी बाहरे वाला माइनस रहता है अंदरे वाला प्लस में मान रहता है, अब तो आप प्लस ही लिख दीजिएगा ऐसे तो कन्फ्यूजन होना नहीं है। ये माइनस गुने प्लस जब करना रहेगा तो रिजल्ट रहा माइनस, माइनस में बाहर रखेंगे कब? जब दो गो संख्या गुना करना रहे तो उसका साइन इस तरीका से। ये बहुत जरूरी ध्यान रखना, सब काम ठीक है कीजिएगा
आ ई वाला बोध में गलती कर दीजिए तो पूरा का पूरा नियम जानते हुए भी आपका सरलीकरण गलत बन जाएगा, ब्रैकेट तोड़ते जाएंगे। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि सब का प्रयोग कर करके प्रोसेस से बना बना के भर पेट भर बोर्ड में बनेगा क्वेश्चन, लेकिन मैं वहाँ पे एक ऐसा कंसेप्ट दूंगा अंतिम में बताऊंगा कि क्वेश्चन कितनों बड़ा लिखल रहे पूरे का प्रयोग कर रहे, हम लोग एक लाइन में काटते हुए उल्टा आएंगे आंसर लिख देंगे आपके सामने, वो भी मेथड हम लोग सीखेंगे। एकदम नीचे की तरफ आना ही नहीं है हमको, ये दिमाग में जब दौड़ ही रहा है एकदम जिस तरीका से शरीर में ब्लड दौड़ते रहती है बिना आपके आपका अनुमति दीजिए या न दीजिए, दौड़ते रहता है ना ब्लड में शरीर में ब्लड, सांस चलते ही रहता है, धड़कन चलते ही रहता है, उसी तरीका से ब्लड में आपको दौड़ ही रहा है तो आपको स्टेप बाय स्टेप काम करते आप से वो संख्या भाषा के छापते छापते जाने की कोई आवश्यकता नहीं, एकदम उल्टा काम करते आएंगे एकदम एक के लाइन में बना देंगे आंसर काटते कूटते, तो वह सब भी सीखेंगे पहले इसका प्रयोग करके फुल प्रोसेस सीखेंगे। चलिए तो उस सब काम ठीक है कीजिएगा पूरे नियम का, आ इसमें गलती कर दीजिएगा तो आपका काम खराब हो जाएगा। ध्यान रखना ये सब आपको बताए हुए है जहाँ पे हमने गुना की चर्चा किए होंगे गुना भाग का, उसमें ये नियम जरूर हमने बताया होगा। तो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर चिल्ड्रन स्टडी फोल्डर में जाकर वहाँ पे जोड़ घटा गुना भाग सब सिखाए हुए एकदम बेसिक से, ठीक है। और आपको बता दूँ कि यह बेसिक से स्टार्ट हुआ है ज़रूर, इसके बाद स्कूली लेवल का पूरे मैथ पढ़ाया जाएगा, उसके जस्ट बाद बैंक SSC रेलवे है ना क्रमबद्ध तरीका से पढ़ाया जाएगा, उस जब उसे ख़त्म हो जाएगा तब 8वां 9वां 10वां है ना 11th 12th का NCERT का पहले किताब पढ़ाया जाएगा, उसके बाद 8वां 9वां 10वां इस का भारतीय भवन का किताब पढ़ाया जाएगा। तो मैथ का सिर्फ याद रखिए मैथ का, रीजनिंग तो खाली कंपटीशन का ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं और उसके बाद भी बोले हैं कि और जो बचा हुआ तो डिजिटल बोर्ड आने के बाद, पहले तो कोई उपाय नहीं मैथ, लेकिन इस सब पर खींचा जाता है कोई दिक्कत होता नहीं है ना, बाकी तो एडिट करना है तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन हम दिखाइए देते एडिट करके, ठीक है टेंशन लेना नहीं। तो हम कह रहे हैं कि सब आपको नियम ही याद हो गया ठीक है, इसे तो यहाँ गलती नहीं कीजिएगा, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, जब एक के जैसा साइन रहे आ गुना कर ले तब प्लस में रिजल्ट, आ जब अलग अलग देखिए एगो प्लस एगो माइनस एगो प्लस अलग अलग दोनों रहे तो रिजल्ट वाह माइनस में निकल के आएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस तरीका से इसको आप लोग देख लीजिएगा, जो दिया रहे ओहे में पहले केकरा मान लीजिए ई दे रहा है ई दे रहा है या लास्ट में ई दे रहा है, तो पहले केकर काम होता है ई आया तो पहले इसका काम, तब ई हईते रहे तो उसका चर्चा क्या करना, जे है उसी का ना काम कीजिएगा इसका अंतिम में काम कीजिएगा, समझे कि नहीं। जो दिया हुआ रहेगा उसमें पहले किसका होना चाहिए, तो पहले इसका होना चाहिए उसके बाद इसका, एहो में तीन गो बात होता है कि पहले छोटका के तब मझला के तब बड़का के काम करेंगे, याद रखना तब का के भाग के गुना के, तो गुना के बाद घटाओ नहीं बोलना जोर, यहाँ जोर का अर्थ सिर्फ जोर का अर्थ क्या समझते हैं, नेगेटिव वाला को नेगेटिव वाला के जोड़ जोड़ेंगे, पॉजिटिव वाला को पॉजिटिव वाला के जोड़ जोड़ेंगे, और लास्ट में जो दो डाटा बढ़ जाएंगे तो उसके बीच घटाना है, घटाओ में भी अंतिम में ध्यान रखना है कि घटाओ वाला मान ज़्यादा है तो रिजल्ट घटने के बाद माइनस में, और प्लस वाला पॉजिटिव वाला मान वैल्यू बड़ा है तो घटाने के बाद रिजल्ट पॉजिटिव में प्लस में आता है मेरे दोस्त। चलिए तो चैप्टर आपका स्टार्ट किया जाए, जकरा जकरा स्क्रीनशॉट लेना है चाहे लिखना है अपना हट गया, चलिए आ गया होगा अब मिटाया जाए, ठीक है इसी नियम को याद रखते हुए बनाना है मेरे दोस्त, ठीक है। एक तनिक प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लीजिएगा, अंग्रेजी हमारे तनिक कमज़ोर ना, चलिए तो गूगल पर मारिएगा स्पेलिंग आकरा टिपिएगा स्पीकर दे रहता है वो अपने वो बोल देगा इसको पढ़ना कहती है, ठीक है मेरे दोस्त इला टेंशन नहीं लीजिए। हिंदी में हर्षी दीर्घी आकार हर्षिकार इस समय अब हर्षुकार लगेगा कि दुर्गुकार लगेगा तो शुद्ध शुद्ध लिखने में कठिनाई, अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन ये तो है विनम्र, ठीक है ना। चलिए मैथ में सबकी कोई आवश्यकता होती नहीं,
मैं तो बनाने वाला लॉजिक चीज, चावल हमको बनाना है तो अंग्रेजी में बोल के बनाइए, चाहे बंगला में बोल के बनाइए, चाहे हिंदी में बोल के बनाइए, या कोई भी विश्व के लैंग्वेज बोल के, चावल बनाने की प्रक्रिया थोड़ा बदल दीजिएगा, वही मैथ, ठीक है कि ना? टेंशन नहीं लीजिएगा, मैथ बनाने में कोई कष्ट होने नहीं देंगे, भले ही प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ा जाए, पढ़े में बोले में गड़बड़ा जाए, लटपट आ जाए, उससे कोई मतलब ना, कॉन्सेप्ट देने में कोई कमी नहीं होगा। चलिए मेरे दोस्त, चलो डू फर्स्ट, इस सके तो काम खत्म अब हो गया। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया जाए। पहला प्रश्न आपके सामने इस तरीके से आता है, चलिए अब क्वेश्चन की बारी है। देखिए क्वेश्चन कहता है, 8 भागा 4 माइनस 4 × 2 प्लस 16, अब बताइए इसका वैल्यू कितना होगा, बताइए आप लोग। चलिए बताइए, अगर इस तरीका से है तो इसका वैल्यू मैं क्या लिखूं? चलिए देखिए आप बनाते हैं हमें, अब बताइए, अब यहाँ लिख लीजिए VBODMAS हो गया, ये रेखा ये ब्रैकेट ये ऑफ ऑफ बोलूँ तो का भाग गुना बोर्ड मास प्लस, ठीक है, तब है माइनस, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में भी 3 गो, पहले छोटका तब मझली तब बड़ी ब्रैकेट, आकर मतलब तो रेखा समझ ही गए। आप बताइए मेरे दोस्त, ये में तो खाली है घटाओ भाग घटाओ गुना जोड़, भाग घटाओ गुना जोड़, तो बताइए पहले किसका क्रिया, भाग के ना करेंगे, तो चलिए इसमें से देखिए पहले भाग के क्रिया कीजिए, तो भाग के क्रिया 8 में 4 से भाग दीजिएगा तो कई आ जाएगा, 2 आ जाएगा, अब बाकी सब तो सेम छप जाता है, 4 × 2 + 16, अब उसका क्रिया ख़त्म है। अब देखिए मेरे दोस्त, भाग दिए हैं जरूर, लेकिन बताइए इहो प्लस में 8 प्लस में, कहिएगा सर साइन तो हमको दिख ही नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ क्या लगा हुआ है, प्लस साइन छिपा रहता है। चलिए तो इहो प्लस में या चारों प्लस में, तो प्लस 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 में ना 2 होते, 8 में 4 से भाग दे बहुत ए ला प्लस में 2 वाले, और बाकी सब तो सेम अभी छपे हैं, अब खाली साइन बच गया है, जोड़ कुछ ना आ गया तो जोड़ घटाओ गुना जोड़, तो पहले किसका क्रिया होगा, गुना का ना। चलिए तो बाकी संख्या का सेम छापते हैं, आप देखिए गुना है जरूर, तो 4 × 2 = 8 होगा जरूर, लेकिन प्लस में कि माइनस में, तो 2 तो प्लस में है लेकिन 4 कथी में, माइनस में, ओकरा साइन पहले वाला ना देख के कहते हैं कि प्लस में है कि माइनस में, तो बताइए 4 × 2 = 8 लिखे जरूर, लेकिन ये प्लस में है माइनस में, प्लस माइनस, हाँ बिल्कुल सही जवाब, -8 हो, ये दोनों के गुना कराएंगे तो -8, अब इन्हें बच जाएगा +16, अब घटाओ बच गए जोड़ बच गए, तो अब घटाओ जोड़ में पहले केकर क्रिया है, जोड़ की क्रिया है, तो जोड़ का अर्थ हमने क्या बताया था, जोड़ का अर्थ हमने क्या बताया था, प्लस वाला को प्लस वाला के साथ जोड़ेंगे और माइनस वाला को माइनस वाला के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए तो इसमें प्लस वाला 2 प्लस में है और 16 प्लस में है, तो 16 × 2 = 18 प्लस में 18 हो गया कि नहीं, आ माइनस वाला तो अकेले है, और रहता कोई माइनस वाला में तब ना उसको माइनस वाला को माइनस वाला के साथ जोड़ते, ये तो अकेले है तो -8 लिखा गया। अब बताइए अब खाली दुइएगो संख्या विचार, अब अंतिम में क्या करना है, घटा लेना है, घटाएंगे जरूर, तो 18 में से 8 घटेगा 10 होगा जरूर, लेकिन प्लस में कि माइनस में, 18 में से 8 घटाएंगे 10 होगा जरूर लेकिन प्लस में कि माइनस में, तो बताइए प्लस वाला साइन एक आगे कुछ नहीं तो प्लस में है, बड़ा वैल्यू कौन है, बड़ा मान कौन सा है, 18 की 8, तो आप कहिएगा 18 है, तो जो बड़ा है वो कौन साइन है, प्लस है ना,
तो बड़ा वाला साइन जिसका रहता है प्लस, तो प्लस में आंसर आ गया। मतलब 18 रुपया आपके पास आ गया है अपना धन, 8 रुपया आप कर्जा ले ले हैं तो सधाइयो दीजिएगा, तो 10 रुपया आपके पास पॉकेट में आपका ही ना पैसा बचेगा। इसलिए मुस्कुराते रहना है सदा जीवन में। चलिए 10 रुपया आ गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं बनाना। चलिए मेरे दोस्त देखिए क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ। अब अगला क्वेश्चन है 10 + 8 - 7 + 4 ठीक है -9 × 2 + 8 / 4 और -2 = 1। इसको सॉल्व करना है मेरे दोस्त। चलिए यहो में ज़्यादा ब्रैकेट से ना तो रेखा कोई के माथा पर कटल है तो इसका काम होगा नहीं, ना कहीं ब्रैकेट लगल है तो मतलब ब्रैकेट का भी है नहीं तो चर्चा क्या करना। का लगल है कहीं? बिल्कुल नहीं। अब कहीं जोड़ है कहीं घटाओ है कहीं गुना है भाग है, यह ना जोड़ घटाओ गुना भाग यह ना चारों पाँचों में है, तो पहले किसका क्रिया होगा? तो आप लोग कहिएगा भाग का क्रिया होगा, तो भाग वाला साइन पकड़िए हिया है, तो बाकी सब तो सेम लिखाएगा। जब इसको सोल्यूशन करने जाइएगा इस क्वेश्चन को तो ये तो सेम लिखाएगा 10 जोड़ ठीक है 10 + 8 -7 + 4 -9 × 2 + हाँ यहाँ आ जाए, रुक जाइए अब 9 × 2 लिख के रुक गए। अब तो 8 में 4 से भाग देना है तो रिजल्ट तो 2 आता है, लेकिन प्लस की माइनस में तो 8 प्लस में है 4 प्लस में है, तो 8 में 4 से भाग दीजिएगा 2 तो प्लस है वाला 2 रे बउआ, 8 में 4 से भाग दीजिएगा तो 2 आएगा जरूर लेकिन प्लस में। क्यों प्लस में रह गया? क्योंकि दोनों पॉजिटिव। उसके बाद तो उनने वाला तो सेम छप जाता है। अब भाग का काम खत्म हो गया, अब किसका क्रिया पहले होगा? गुना का। तो बताइए हमें गुना कहाँ है, खोजिए यहाँ है, तो बाकी सब सेम छपाएगा 10 + 8 - 7 / 4। अब रुक जाएंगे, देखिए 9 × 2 = 18 होगा जरूर लेकिन प्लस में कि माइनस में? तो देखिए ये -9 है आई +2 है, तो माइनस आ प्लस कहिएगा सर यहाँ प्लस दिख नहीं रहा है, दिखेगा कहला छिपा रहता है, 2 × 9 = 2 का हमको गुना कराना है, तो 18 होगा जरूर लेकिन माइनस आई पॉजिटिव छिपा हुआ है, तो माइनस प्लस उल्टा सीधा रहता है तो माइनस से में आता है, तो 9 × 18 हुआ लेकिन माइनस में 18, अब बाकी तो सेम टू सेम छपाता है। अब देखो मेरे शेर मेरे बहादुरों, गुना का भी काम खत्म हो गया, अब किसका क्रिया है? जोड़। अभी हमने बताया था ना जोड़ मतलब खाली प्लस वाला से कोई मतलब नहीं, जोड़ का मतलब होता है कि माइनस वाला के साथ जोड़ेंगे और प्लस वाला को प्लस वाला के साथ जोड़ेंगे। तो देखिए यो प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो प्लस वाला के साथ जोड़िए, तो 10 + 8 = 18 + 4 = 22 + 2 = 24। तो प्लस में हमको आया 24, ठीक है 24 लिख दिए। अब माइनस वाला को माइनस वाला के साथ जोड़ेंगे, अब माइनस वाला है 7 और -18 और -2, तो जोड़िए इसमें 7 में 18 जोड़िए, माइनस वाला के साथ जोड़ते ना है, तो -7 और -18, तो बताइए ये 7 + 18 को जोड़िएगा तो 25 हो जाएगा है, और 25 और फिर 2 जोड़िएगा तो 27, और चाहे ये देखिए ना 18 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 20 और 7 जोड़ लीजिएगा तो 27, कैसे ही जोड़ सकते हैं, जोड़ इन्ने उन्ने करके जोड़ने से ज़्यादा मान नहीं आता है ना कम आता है, वह आता है। तो हमने माइनस वाला को माइनस वाला के साथ जोड़ा तो 27 आया, तो हमको -27 आया ना जोड़े, तो माइनस वाला को जोड़ बहु तो माइनस कर्जा ले ले है अलग अलग, पहले कर्जा लिया 7 रुपया तब 18 रुपया तो 2 रुपया, तो जोड़ के कहा कि वो प्लस रुपया हो गए, अरे कर्जे ना रहेगा, तो जोड़े जरूर है लेकिन माइनस में ना रहेगा। अब जब देख के वो 2 संख्या बचा, अब घटाना है, अंतिम में क्या करते हैं? घटाने का क्रिया, घटाएंगे अमरी जरूर। देखिए यहाँ हम यहाँ इसको छोड़ दिए क्वेश्चन को अभी बोर्डे पर,
यहाँ घटाए हैं तो प्लस में आया आंसर, क्योंकि प्लस वाला का मान ज़्यादा था। यहाँ घटाएंगे जरूर, तो बताइए बड़का तो 27 है ना, तो 27 में से 24 घटेगा तो 3 रुपया आएगा, 3 रुपया आएगा जरूर, लेकिन प्लस में कि माइनस में, तो बताइए माइनस वाला ज़्यादा ना है तो माइनस में आ जाएगा। यही आपका क्या हो गया, -3 आंसर। मतलब 27 रुपया कर्जा ले लो और 24 रुपया तोरा पप्पा मम्मी अपना धन दे चाहे तू कमाई लो, तो सधाइयो दे बहुत, 3 रुपया बत्ती कि ना बत्ती कर्जा, कर्जे ना बत्ती हो। चलो -3 हेला हो गए, देख रहे हैं किस तरीके से क्रिया है। अब थोड़ा सा देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तो हमने देखा कि एक बोर्ड लग रहा है, फिर हमने देखा एक बोर्ड लग रहा है, आंसर वा यह आएगा। देखिए वो काम आपको पता है कि आपको देखते पता चल जाएगा कि पहले प्लस की क्रिया है, बस यही आप काट के लिख दीजिएगा। एकर मान हो गया 2, कथी में 2 तो प्लस में 2, क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए यहीं कट जाएगा, जहाँ क्वेश्चन है बस वहीं कट जाएगा तुरंत। देखिए 2 आ गया, अब गुना की क्रिया करना है, तो देखिए 9 × 2 = 18 होगा जरूर ही यहाँ, लेकिन माइनस में 18 हुआ, क्यों हुआ? आप लोग समझ गए होंगे कि माइनस प्लस माइनस में, अब गुना के भी क्रिया खत्म है, अब किसका क्रिया, जोड़ने का, ठीक है? तो देखिए 10 × 8 = 18, 18 × 4 = 22, 22 + + 2 है तो +2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 22 + 2 = 24। तो देखिए हमको आंसर प्राप्त हुआ +24, ठीक है? अब देखिए माइनस वाला संख्या को माइनस वाला का जोड़िए, तो 7 − -7 − −18 जोड़ लेंगे तो माइनस कितना, 25 + 25 + 2 = 27, माइनस वाला को जोड़ -27। बताइए जब दोनों को घटाइएगा, अभी दोनों के बीच घटा हुआ गया, इसको घटाइएगा तो रिजल्ट हमको कथी में भेटे, -3, बस हो गया वहीं बन जाएगा। बड़ा जब ये तो छोटा है तो लगता होगा क्या है वो से बनिया, तो ये तो भाई सर लिखने से बच ना जाइएगा, तुरंत बन जाएगा। अभी ये छोटा है, जब बड़ा बड़ा ब्रैकेट वाला आएगा ना तो उसमें और मजा आएगा, उसमें तो उल्टा बनाते हुए आना रहता है और बाकी सेम सेम लिखना पड़ता है, तो उसे आप बच जाइएगा और एक ही लाइन में आप जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? ए में तो इन्ने उन्ने हो गया, जोड़ने ओढ़ने में बहुत दूरी बढ़ गया, लेकिन देखिए चलिए कोई बात नहीं। उसी तरीका से इसको भी देख लीजिए, इतना का मान क्या आ जाएगा, भाग दे देंगे तो 2। अब बताइए तो ये भाग के काम खत्म, अब गुना के काम, ये तो जोड़ में ना रह गया, घटाव है ये प्लस है तो गुना के काम, यहाँ 4 × 2 = 8 होगा जरूर, लेकिन किस में, माइनस में रहेगा। अब बताइए +16 बचा हुआ, अब डायरेक्ट जोड़ लेंगे 16 + 2 = 18 में से 8 घटा लिए, मुँह पर 10 बोल देंगे। तो जब आप प्रैक्टिस करने लीजिएगा, बनाने लगिएगा, तो मुँह पर जवाब दिया जाता है, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। अभी तो पार्टी शुरू हुआ है, देखते जाइए क्वेश्चन, तो इस हम लोग अभी पहले देखें कि प्रोसेस से कैसे बनाएंगे, और क्वेश्चन देखते हैं जो प्रोसेस से ही पहले बनाएंगे। चलिए देखिए मेरे दोस्त, ठीक है, सरलीकरण में अच्छा खासा क्वेश्चन है, अभी हमने चैप्टर नहीं पढ़ा, अभी बेसिके बता रहे हैं कि सरलीकरण होता क्या है, ठीक है? अब किताब जब हम शुरू अब जस्ट करने ही वाले हैं, उसमें देखिएगा कितना क्वेश्चन आएगा, एक से बढ़कर एक, और चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, जितना नवोदय वाला है, सैनिक नेत्रहाट ये सब वाला है, अब सब स्टूडेंट एकदम रेडी हो जाइए, पहले आप ही लोग का पढ़ाई चल रहा है, पहले बेसिक से ना स्टार्ट करेंगे, आगे तक बढ़ेंगे, इसीलिए। चलिए कहिएगा मिटा दिए तो नहीं लिखल होते भी बोर्ड पास ऊपर, ओकरे देख के बनाएंगे, समझे? एकदम पहले नवोदय जितना स्कूली लेवल का एग्जाम होता है, 5वां, 6वां, 8वां, 9वां सिलेक्शन वाला, पहले उसका क्लास चल रहा है और उसके बाद चलेगा कंपटीशन वाला, ठीक है? बैक बीएससी रेलवे वाला मैथ्स सब जो हम लोग पढ़ते हैं वो वाला, और तब जाके स्कूली लेवल वाला भी पढ़ा देंगे, ठीक है? बिहार बोर्ड वाला 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां मैथ, ठीक है? ओमे तो रीजनिंग ना पूछा ही चाहिए, चलो लेकिन कंपटीशन में पूछता है तो कंपटीशन वाला ऑलरेडी पढ़ा दिए हुए रीजनिंग, देखे है ना, उतना से आपका काम चल जाएगा।
अगर 30 गो प्रश्न रीजनिंग का पूछता है तो वीडियो देखने के बाद आपको हर बार 25 जरूर बनेगा, समझे कि ना। 30 में 25 गो एकदम परफेक्ट। आप प्रैक्टिस खूब अच्छा से कीजिएगा, खूब अच्छा से कीजिएगा, प्लस में कहीं कोचिंग भी कर लीजिएगा जो भी संस्था में रीजनिंग पढ़ाई जाती है, क्योंकि वीडियो देखने से आपको नहीं आएगा, ठीक है, खाली वीडियो देखने से नहीं। और तब कोचिंग भी साथ में कर लीजिए, उसके बाद फिर वीडियो देख लिए हुए मेरा, तब ये आंकड़ा बदल जाएगा। 25 तो बनेगा ही, उसके बाद आपका ये आंकड़ा जाने लगेगा 28, 29, 30 इसमें। अभी हम एला बोले हैं, देखिए 30 आना मुश्किल बात, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन जान से दिया जाता है कि अगर 30 बनाने के फेर में रहिएगा ना तो आपसे आसान आसान आगे टाइम ही ख़त्म हो जाएगा, घुमाइले रहता है आपके जीके जीएस पर कमांड नहीं रहेगा, जीके जीएस को फेंट के पूछ देगा आपसे, रीजनिंग बना देता है। तो वैसे क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वैसे एक दो क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। इसका मतलब है कि 25 से बढ़ के 28 के बीच में आपका हर बार ये बनाइएगा एकदम परफेक्ट सही बनेगा। कुछ क्वेश्चन आने के बाद भी छोड़ने की कला होना चाहिए, अगर ये दिया जाइएगा कि सब बनाइए लेना है तो आपका काम ख़राब हो जाएगा मेरे दोस्त, कंपटीशन में काम ख़राब हो जाता है, सब बनाने के फिर में पड़िएगा, कुछ आते हुए भी छोड़ना पड़ता है दिमाग लगा कर, चलिए न तो गलती होने का चांस बढ़ जाएगा, प्रेशर में चले जाइएगा गलती ज़्यादा हो जाएगी। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यह है, 8 भागा 4 - 4 × 2, ठीक है, 8 भागा 4 - 4 × 2 और +16। अब मज़ेदार बात यह है कि हमने रेखाखंड इस पर प्रयोग कर दिया है, ऊपर बार प्रयोग किया ना, वेनेकुलर का प्रयोग किया है, चलिए सुंदर बात है। अब इसको कैसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, कीजिए जल्दी से, कहा मेरे महाराज शेरो बहादुर, कीजिए सॉल्व कीजिए, इसको बनाइए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ भाग भी है, घटाव भी है, गुना भी है, जोड़ भी है, लेकिन देखिए साथ में एगो रेखाखंड, तो पहले जो भी उसका ना वर्क किया जाता है, तो बताइए ये भाग पहले होना चाहिए तब गुना होना चाहिए तब ना जोड़ तब घटाओ, लेकिन ये सब होने के विपरीत होते हुए एक रेखा काट दिया है, तो प्लस पर है तो उसे प्लस के प्रयोग करेंगे। तो देखिए लिखिए, तो यह सेम लिखिए 8 भागा 4 - 4 आई गुना है ना गुना, तो गुना लिखिए। अब देखिए मेरे दोस्त, ये 2 और 16 को जोड़ी तो पहले कहे होते 18, क्यों इसी को पहले क्रिया किए, क्योंकि इतने पर अगर यही लाइन बढ़ा के हियाँ तक कैल रहता तो अब देखते कि तो सब पर आ गया, हियाँ तक आ गया, तो हम क्या करते, पहले जोड़ते कि पहले गुना करते, तो हाँ पहले गुना करते तब ना अंतिम जोड़ते, लेकिन बताइए गुना इन्ने लैले है नहीं ना लैले है, ये तो ही लैले है, तो 2 और 16 तक लैले है, तो जे पर लैले है वह काम करेंगे, तो एक बीच में प्लस है तो जोड़बे ना करेंगे, तो 2 में 16 जोड़ लीजिए, तो देखिए इतना का मान हो गया 18, समझे कि ना, गुना लगल है फिर भी देखिए 2 16 को जोड़े, क्योंकि यह पर रेखा, जे पर रेखा काट लेगा उसी का काम पहले करते, तो हो गया अब रेखा कांड के काम ख़त्म हो गया। अब बच गया भाग घटाओ गुना जोड़, तो पहले तो भाग का ना काम होता है तब ना गुना उना के काम करेंगे। चलिए तो 8 में 4 से भाग देंगे 2 हुआ, उसके बाद -4 × 18, अब बताइए अब किसका क्रिया करेंगे मेरे दोस्त, गुना के, तो 2 - 18 = 72 ना, चलिए 8 × 4 = 32 और 4 × 4 = 37, 18 × 72 हो गया। अब मेरे दोस्त देखिए 2 में से 72 घटावे जब हो तो होते कितना 70, लेकिन कथी में माइनस में कि प्लस में, तो हाँ -72 ना था, प्लस आगे कुछ नहीं तो प्लस में 2 है, तो बताइए प्लस वाला कम है माइनस वाला ज़्यादा है, तो घटाने के बाद माइनस में ना रिजल्ट होते, ठीक इस तरीका से हम लोग बना देते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग इधर देखते हैं, ठीक है, उसके बगल में
अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बतियाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, दू जोर, ब्रैकेट शुरू हो गया, बड़ी ब्रैकेट, 7-4 और माइनस तो मझली ब्रैकेट है, 7×8 और माइनस अब छोटी ब्रैकेट है, 1+4+3×2 छोटी ब्रैकेट बंद, मझली ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद, बराबर वाट। देखिए लेकिन एगो रेखाखंड का भी खेल खेल दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक काट दिले हैं। अब इसमें देखिए अब कितना बात इसमें आ गया मेरे दोस्त, अब बताओ इसमें जोर है, ब्रैकेट है, गुना है, सब कुछ है लगभग। तो पहले किसका क्रिया, पहले रेखाखंड के ना, तब ना ब्रैकेट के, तब ना का के, तब भाग के, तब गुना के, तब जोड़ के, समझ रहे हैं ना, घटाओ के। तो पहले ब्रैकेट के काम कर रहे हैं कि पहले रेखाखंड के, तो पहले रेखाखंड के, तो बाकी तो सेम टू सेम उतलेगा, सोल्यूशन करेंगे तो। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा 2+7-4-7×8 और माइनस छोटे ब्रैकेट अभी घेराया रहेगा क्योंकि इसका काम खत्म नहीं हुआ। अब बताइए इसमें जोर है, गुना है, तो पहले गुना के क्रिया करें, नहीं, जे पर रेखा चढ़ल अच्छी पहले ओकर ना क्रिया, तो 1+4 जोड़ब तो 5 और 5+3 जोड़ लेब तो 8, तो ये हो गए रेखा के काम खत्म 8। आ तो बचल है अभी भी कहे गुना में 2, छोटे ब्रैकेट बंद, मझली ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद, अब बनाइए तब। अब देखिए अब सिंपल हो गया, अब रेखाखंड के काम खत्म, अब ब्रैकेट के काम खत्म, तो पहले छोटका के ना काम कीजिएगा। चलिए तो देखिए ये हो जाएगा 2+7-4- इस तरीका से 7×8 माइनस, देखिए अब ये छोटे ब्रैकेट के काम कीजिए, 8×2=16, तो 16 आ गया, तो 16 प्लस में है कि माइनस में, तो आप कहिएगा सर ये भी प्लस ये भी प्लस, तो हमको प्लस 16 नया 2 से गुना कीजिए। तो आप बताइए ब्रैकेट खत्म होने से पहले, यही तो हम कहे थे कि ध्यान देना है, यही कहे थे कि +×+ रिजल्टवा प्लस, -×- रिजल्टवा प्लस, आ +×- रिजल्टवा माइनस, आ -×+ रिजल्टवा माइनस। अब बताइए मेरे दोस्त ये माइनस आ प्लस ये ब्रैकेट खत्म होने से पहले दोनों गुना हो चाहते, तो माइनस आ प्लस के जब गुना कराइएगा तो माइनस ना हो जाएगा, यहे ला यहाँ साइन देवे से पहले सोच लेना है कि होना क्या चाहिए। बताइए इधर भी माइनस आ जाता है, ऑलरेडी बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस जी हाँ प्लस हो जाता, तो यहाँ प्लस लिखते, फिलहाल ये 8×16 प्लस में आए, तो प्लस माइनस माइनस ना हो आ तब जाके ब्रैकेट खत्म हो जाए छोटका। अब बच्चल कौन है तो मझली और बड़ी। चलिए आप काम करेंगे इसका मझली का, तो बाकी सब सेम लिखेंगे, 2+2, ठीक है, 7-4 और माइनस, देखिए हो में 2 काम है, गुना है घटाओ, तो पहले गुना के क्रिया ना हो, तो 8+7=56 और -16 अभी बचले हैं ब्रैकेट के काम। चलिए इसका काम कीजिए, 2+7-4, अब देखिए यहाँ 56 में से 16 आप घटाइएगा मेरे दोस्त, तो आपको 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40, तो 40 प्लस में थी कि माइनस में थी जल्दी बताओ, तो आप कहिएगा सर 56 प्लस है और 56 प्लस है, कुछ ना है पहले साइन तो प्लस है ना प्लस, आ देखिए ये 16 माइनस है, तो 56 में से 16 घटले 40 आ रही जरूर लेकिन प्लस में अल, कैसे जान लो प्लस में अल, ये ला कि प्लस वाला ज़्यादा है, आई माइनस वाला 16 ही कम है, 56 से कम नहीं 16, तो जे प्लस वाला ज़्यादा है तो रिजल्टवा घटे के बाद प्लस में ना, तो बता बहु ब्रैकेट के अंदर हल कली तो 40 अली प्लस में आ ऑलरेडी ब्रैकेट के पहले कथी लगल है माइनस, तो बता बहु हो माइनस आ प्लस गुना करब तो कथी होते, लड्डू सोना जल्दी बोला, तो माइनस प्लस के गुना करब हो तो जी हाँ माइनस ना हो जाते,
माइनस आ प्लस के गुना करब तो माइनस ना हो जाते। चलिए तो माइनस तब देखिए ब्रैकेट खत्म करते समय माइनस चालीस लिखा है। माइनस चालीस कहाँ से आया समझ रहे कि नहीं, ब्रैकेट खत्म तो अब इतना ब्रैकेट खत्म हो गए तो चालीस आ गए। अब ब्रैकेट खत्म होने के बाद इसे माइनस वाला से गुना कर ली, अब बच गए बड़े ब्रैकेट छोट मझले ब्रैकेट के तो कहानी खत्म। अब देखो दू जोड़, अब देख ए में माइनस माइनस आई शुरू वाला प्लस प्लस माइनस बचल तो जोड़ने के काम ना पहले तो जोड़े के काम में हम कथी कहले रही कि जोड़ वाला को जोड़ वाला के साथ जोड़ेंगे और घटाओ वाला को घटाओ वाला के साथ जोड़ेंगे तो अकेले सात है प्लस में तो साते ना रहते तो सात रह जाएगा। लेकिन माइनस चार आ माइनस चालीस जोड़िएगा तो माइनस चौवालीस होगा कि नहीं होगा, माइनस वाला को माइनस वाला के साथ जोड़ेंगे। अब देखिए मेरे दोस्त तो दू जोड़ जोड़ अभी नहीं लिखेंगे, अभी तो एक काम पहले ख़त्म करना है। तो देखिए अभी माइनस चौवालीस बउआ देखो हुआ खेला की हो जाते, इस सात में से चौवालीस घटाना है तो माइनस वाला ना ज़्यादा है तो बड़के में से ना छोटका घटब तो एकरा में से एकरा घटा चौवालीस में से सात घटा के देख कितना आते तो सैंतीस आ जाते। ठीक है तो सैंतीस आ गए, अब आ गया लेकिन प्लस में थी कि माइनस में तो जी हाँ प्लस वाला कम है माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस में ना तो हो माइनस में आ गए तो अंदर के ब्रैकेट के अंदर के काम कर ली तो माइनस सैंतीस अल तो ब्रैकेट खत्म हो चाहते कि ना होते तो खत्म हो से पहले देखती कि बाहर पूछे तो हाँ प्लस है तो बताबू हो माइनस प्लस ई प्लस माइनस गुना करबू ब्रैकेट खत्म हो से पहले गुना ना होते दोनों साइन में तो दोनों साइन में गुना होते तो माइनस प्लस आ प्लस माइनस गुना कराते तो माइनस ना होता है। देखिए प्लस माइनस को गुना कराइएगा तो माइनस अलग अलग साइन जब रहता है तो अलग अलग साइन रहते तो माइनस ना लगे तो ई माइनस हो गए आ कितना तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो सैंतीस आएगा। कई बार बच्चा क्या करता है सॉल्व करके सैंतीस लाता है सैंतीस के सैंतीस चिपका देता है प्लस वाला हाली हाली लिख ले जाता तो गलती हो जाएगा प्लस थोड़े ही होते हैं ई माइनस में अंदर रहें या माइनस आ प्लस गुना करबे तो माइनस ना आ जाते हो। अब देखो दू में से सैंतीस घटब तो पैंतीस होते जरूर लेकिन माइनस वाला ज़्यादा है तो रिजल्ट माइनस पैंतीस ना। चलो तो एक आंसर कितना हो जाते माइनस पैंतीस। अब हम तोहनी लोग के कहले रही कि हम एक लाइन में हल कर देवे ब्रैकेट वाला इसके ई तो प्रोसेस है इस तरीका से उल्टा घटता है कि नहीं ऐसे ऐसे सॉल्व हो गया देखो कैसे सॉल्व हो। मान लो कि तोरा सामने प्रश्न अलग आ गए और हम एक सॉल्व करे के है तो हम जान ली कि इस तरीका से प्रश्न रहेगा तो बनाना है तो एन्ने से आना है एन्ने से सॉल्व करना ओहो में तो ई लगा दिया है। अगर ई वाला डाटा कहीं एत ही लगे रहता तो हम एत ही कर लेते पहले काम हियाँ लगे रहता तो पहले हिये काम करते लेकिन बउआ हियाँ लगे लेते देखो हो एक आ चार जोड़े के है ना सबके जरा माथा पर रेखा काटल है तो चार एक पाँच एक चार पाँच पाँच तीन आठ इस सबके जोड़ लेबी तो आठ बस धरब एक उड़ा देवे आ कह कि आठ है आ देखो आठ है दूना क्योंकि छोटकी ब्रैकेट के पहले काम करे के ही हो तो आठ दूना हो जाते सोलह इसका मतलब सोलह कथी में तो प्लस में क्योंकि प्लस प्लस है आ देखो हो इ प्लस सोलह आ बाहर कथी लगल है माइनस तो बताबू हो माइनस आ प्लस कथी में आते रिजल्ट माइनस में एकर मतलब है कि एकर काम खत्म होके हमरा हियाँ तक में भेट गए माइनस सोलह इ सोलह भेट गए बस एन्ने के काम खत्म हो गए। अब हमरा हियाँ सोलह भेट गए तो हियाँ सोलह लिख दिलिए। अब देखो तो छोटी ब्रैकेट खत्म और मझली ब्रैकेट के ना काम हो तो देख मझली ब्रैकेट में काम करे से पहले एक बात देख ई गुना है या घटा है तो पहले गुना के काम तो आठ सत्ते छप्पन मेरे शेर मेरे बहादुर तो छप्पन प्लस में है सोलह माइनस में है घटाने जाइएगा तो छप्पन में से सोलह घटेगा तो चालीस हो मतलब इतना दूर के काम कर ली तो हमरा चालीस अलग वह कथी में अलग तो छप्पन प्लस में है सोलह माइनस में है मतलब प्लस चालीस अलग प्लस वाला ज्यादा प्लस चालीस। अब बउआ देखू तो ब्रैकेट खत्म होना चाहते कि ना होते चाहते आ पहले कथी लगल है माइनस लगल है तो माइनस आ प्लस माइनस ना हो जाते गुना करब तो माइनस आ प्लस के गुना करब तो माइनस ना हो तो चालीस वाले सॉल्व करे के ब्रैकेट टूटते एकर मतलब है कि इतना के सॉल्व के बाद माइनस चालीस।
अब इन्ने के काम खत्म है, उन्ने ना देखे जब अब उल्टा बढ़ते अब देखो अब पहले ये ब्रैकेट खत्म होला चाहे कि ना अब बड़ी तो देखो पहले छोटी खत्म कर ली तो मझली खत्म कर ली तो बड़ी की तरफ बढ़ल थी ना धीरे धीरे ब्रैकेट देखो तो अब देख लिए कि इस सॉल्व कैला के बाद कि 7 - 4 - 40 ठीक है। तो अब देखो ये प्लस है माइनस है माइनस है तो पहले तो जोड़ने के काम करेंगे तो प्लस वाला को प्लस के साथ माइनस वाला को माइनस के साथ तो ये तो हो जाते -44 आ प्लस 7 है तो 7 आ -44 जब घटाइएगा तो 37 होते जरूर 37 होते जरूर ये दोनों के घट अभी तो 37 होते लेकिन प्लस में कि माइनस में तो -44 ज़्यादा माइनस वाला ज़्यादा है तो रिजल्टवा माइनस में ना हो तो माइनस में आई ब्रैकेट खत्म हो से पहले देखती कि ना पहले साइन कथी प्लस तो जे साइन रहते आई अलग उ दोनों के साइन के गुना करबी कि ना तो प्लस माइनस गुना करबी तो माइनस एक मतलब है कि ये है हिया अब काम खत्म होने के बाद इतना तक के काम खत्म होने के -37 बटल आ देखो दू में से 37 घटब मेरे दोस्त मेरे बहादुर मेरे शेर दू में से 37 घटब तो बताओ एक काम खत्म होते तो 35 होते जरूर लेकिन प्लस में कि माइनस में तो -37 ज़्यादा है आ प्लस वाला कम है तो माइनस वाला ज़्यादा माने तो घट के माइनस में ना रिजल्ट होते तन मिला लहो लास्ट में -35 आए एकदम उल्टा काम करते आएंगे जो काम होना चाहिए एक पेज में वह काम हम करेंगे एक लाइन में समझे कि नहीं बस हो गया इसी को कहते सरलीकरण। लेकिन हमारा पता रहल हमरा ये पता रहल बनाते वक्त कि पहले एकर काम तो एकर काम एकरो में छोटका ब्रैकेट पहले तब मझली ब्रैकेट तब बड़ी ब्रैकेट आ तब का के तब दिस के तब डाट के समझ लो कि ना लाइन से केकर कथी काम ये ब्लड में रोम रोम में जब बनाइएगा ना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तब बस जाएगा कि पहले केकर काम मतलब याद नहीं रखना है क्वेश्चन में देखिएगा अपने कहेगा कि पहले रेखा के काम करना छोटकी ब्रैकेट के करना तो मझली के कर तो बड़की ब्रैकेट के काम करना तो इसे करके बना दे आ ब्रैकेट तोड़ने से पहले ब्रैकेट के पहले जनरली तो हम रिलैक्स होकर काम करेंगे बनाएंगे लेकिन जब ब्रैकेट ख़त्म करने की बारी आएगी तो पहले वाला साइन को ज़रूर मिला लेंगे वही साइन का खेला है कहे ना ये साइन का खेला है सब नियम जानते हो भाई साइन के इग्नोर कीजिएगा आपका सरलीकरण गलत बन जाएगा इतने के तो खेला के नंबर मिलता है समझे मेरे बहादुर मेरे शेर एक क्वेश्चन आपके नाम लास्ट क्वेश्चन आपके नाम। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ मैंने बोला था ना कि मैं पहले प्रोसेस से बनाऊंगा उसके बाद दिखा दूंगा कि एक लाइन में कैसे होता है। अभी आपको प्लस माइनस हमको मुंह से बहुत दब बोलना पड़ा है कि ये माइनस हो डायरेक्ट काटते हुए आते हम ये लिखते नहीं धक धका के आते हम यहाँ जो सुन लिखते हम डायरेक्ट यहाँ लिखते काट के आप भी बना लीजिएगा कब जब प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा तब तो। ये सब प्रैक्टिस पर है ना तो स्टेप बाय स्टेप किसको नहीं आता है बनाने लगाइए पेज उतना आपको थोड़ा मिलेगा हुआ इतना जगह मिलता है सॉल्व करने ला 30 को क्वेश्चन बनाने के लिए आपको एक के पेज मिलेगा कंपटीशन में आ लगिएगा इसे चिड़चिड़िया मेठट पारने तो कहानी ख़त्म हो जाएगा ला टेंशन नहीं लीजिए बने रहिए खाली सब दिख जाएगा सब कुछ दिख जाएगा कॉन्सेप्ट खाली बनल है आ ये सब आएगा प्रैक्टिस से कभी गलती ना होगा। देखिए रिजल्ट जो आना है वही रिजल्ट हुआ आता है खाली उल्टा बनाते चलाएंगे आ ओहो में क्वेश्चन तो आपके लिखा लता है किताबें में दोबारा क्वेश्चन कला लिखेगा काट के माने लिखना शुरू उल्टा लिखते आना है कहानी खत्म बन गया सब सरलीकरण बन जाता है वो जितने ब्रैकेट देगा उतने आसान हो जाता है। देखिए ब्रैकेट दिया तो और आसानी से बन गया कि नहीं वो तो और हेल्प कर देता है कि पहले इतना के काम करना है तब इतना के करना है तब इतना के करना है तब इतने काम करना है डैट्स ऑल आ गया आंसर उसके बाद जो आना होगा ये तो और आसान कर देता है काम ब्रैकेट देकर परेशानी होगा काहे को परेशानी होगा। चलिए क्वेश्चन जितने भारी पूछेगा वो जानिए उतने आसान रहता है बस समझने का फिर रहता है कॉन्सेप्ट के कमी के कारण
भारी क्वेश्चन देखने में रहता है वो महाभारी हो जाता है, और जो हल्का रहता है वो भारी लगने लगता है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट की कमी के कारण। एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग, हम क्वेश्चन लिख देते हैं, अगर आपको बनाने का मन होगा तो वीडियो को रोक दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन लिखे के बाद, तो आपको क्वेश्चन तो देखते रहेगा स्क्रीन पर, बना लीजिएगा पहले हमसे, और नहीं तो हम क्वेश्चन लिख के हम डायरेक्ट बना देते हैं, आपको पता ही। चलिए मेरे दोस्त, क्योंकि आपको हाथ में यूट्यूब जब आप देख रहे हैं, तो जब हम कहें कि बनाइए आप लोग, तो हम जब क्वेश्चन लिख देते आप वीडियो को ऐसे रोक दीजिएगा, पुश कर दीजिएगा ना स्क्रीन पर, तो रुक जाता है वीडियो, क्योंकि टाइम आपके हाथ में, आप बस बना लीजिए, क्योंकि मैं नहीं रुक सकता, मैं तो बनाते ही रहता हूँ। चलिए 2 माइनस, उसके बाद है 7 माइनस 4, देखिए अभी ये वाला प्रयोग कर दिया, यहाँ है माइनस 7 गुने 8, फिर माइनस लगा ले 1 जोड़ 4, अब हद देखिए ना इसका, का 3 भागा 4, देखते जाइए मेरे दोस्त, भागा 4। चलिए तभी ब्रैकेट बंद, तभी ब्रैकेट बंद, समझे कि नहीं, तभी ब्रैकेट बंद, तब बड़ी ब्रैकेट बंद हुआ, सॉल्व कीजिए जल्दी से क्या आप लोग, चलिए सॉल्व कीजिए मेरे दोस्त, वीडियो रोक के सॉल्व कीजिए, नहीं तो देखते जाइए कैसे बन रहा है, कोई कोई काम चोर होता है, करना नहीं चाहता, कितना देख जाइए वीडियो सीख जाइए, अगर अपना से नहीं बनाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, नियम याद नहीं रहेगा। चलिए बुआ, आप देखिए इस प्रश्न में सब कुछ अवेलेबल है लगभग, लेकिन आप देखिए कहीं रेखा का प्रयोग किया हुआ है, सिंगल हैंडेड किया हुआ है ना, 7 माइनस 4 के ऊपर, तो इसका मतलब है नियम के अनुसार तो पहले रेखा के काम होगा, तब ना ब्रैकेट का के, तब भाग का, तब गुना के, तब जोड़ के, तब घटा, तो पहले ही सब में देखा रेखा ही है, तो उसका काम करेंगे, बाकी सेम टू सेम लिखाएगा। तो 2 माइनस, देखिए 7 में से 4 गल, 7 में से 4 गल 3, प्लस में कि माइनस में, तो हाँ 7 प्लस वाला ज़्यादा है या माइनस वाला कम है, तो 7 में से 4 घटे तो प्लस में नहीं, तो ब्रैकेट, तो अब तो ऊपर रेखा वाला खंड काम खत्म। चलिए अब लगल है माइनस, छोटे ब्रैकेट 7 गुने 8 माइनस 1 जोड़ 4 का 3 भागा 4, छोटी ब्रैकेट बंद, मझली ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद, वाटो मारिएगा सॉल्व करते समय, वाट क्या, आप देखिए अब तो रेखाखंड के काम खत्म हो गए है, अब रेखाखंड के काम खत्म, भी के काम खत्म हो गया, अब ब्रैकेट के काम ना हो, तो ब्रैकेटों में पहले छोटी ब्रैकेट के ना काम, तब मझली तब बड़ी, तो पहले छोटी दिखे छी कहाँ हिया, तो पहले एक काम करब, अभी हम तोरा बतैला ना, लेकिन हिया से तुम मुँहों पर बनाबे तो उल्टा बनाबे चल जाए आंसर आ जाता, आ ना तो अभी प्रोसेस से पहले हम बना दे रहे हैं, लास्ट में बना देंगे शॉर्ट में भी, तो पहले एन्ने के काम होता ही, तो ई वाला तो सेम टू सेम लिखा जाए छे, देखा हो लिखा गले सेम टू सेम, ठीक बात, सुंदर बात, लिखा हो बउआ, लेकिन अब देखो छोटी ब्रैकेट शुरू हो गए, अब छोटियों ब्रैकेट में कई कई को खेला है, प्लसो है, कायो है, भागो है, तो अब देखो ये में पहले भाग के काम करिए कि का के कि जोड़ के, बताओ तू है पहले केकर काम करिए, तो आप कहिएगा का के काम कीजिए पहले, तो बताओ ये लिखत है 1, आप बताओ ये 4 3 12, तो प्लस में ना 12, आ प्लस बाहर है तो प्लस 12, देखो पहले का के काम होले, ठीक है, बाकी एज इट इज लिखा गया। चलिए बंद कीजिए, अभी भी ब्रैकेट के काम फाइनल नहीं हुआ, बचा ही हुआ ऐसे, चलिए एक चरण और बढ़ते हैं, इस तरीका से ये वाला तो सेम टू सेम लिखाते जाता है, अब बताओ हो बार, अब प्लस या भागा है हो, तो पहले भाग के ना क्रिया, तो 12 में 4 से भाग दीजिएगा तो 3, ठीक है, तो 1 जोड़ 12 भागा 4 कीजिएगा तो 3, अभी भी एक कर क्रिया बचल है, देख रहे हैं 2 माइनस 3 माइनस 7 गुने 8,
आ देखो एक में तीन जोड़बे तो हो कितना जते चार तो प्लस एक आ प्लस तीन जोड़ लिए तो प्लस चार ना तो ब्रैकेट के अंदर के काम अल प्लस चार लेकिन जस्ट बाहर देखिए माइनस है तो माइनस प्लस ब्रैकेट तोड़े से पहले यही तो खेला करना है माइनस प्लस माइनस आ ब्रैकेट खत्म होकर मान कितना लल चार तो अब तो ब्रैकेट के काम खत्म छोटकी के तब बच गए मझली और खाली बड़ी। चलिए तो अब मझली के ना काम करेंगे ये ब्रैकेट के तो देखिए तो ये शुरू वाला तो एज इट इज लिखा जाता है सेम टू सेम। अब बताइए आठ सत यहो में गुना है या घटा हो तो पहले गुना के क्रिया ना हो तो इतना के क्रिया करबह तो छप्पन हो जाता पहले गुना के क्रिया आ माइनस चार है माइनस चार तो पहले गुना के क्रिया तो देखो आठ सत छप्पन आ माइनस चार अभी भी ब्रैकेट के काम बचल। चलिए लिखिए दू माइनस तीन माइनस आ देखिए छप्पन में से चार घटाबहू बउआ छप्पन में से चार घटेब तो तोरा आ जाते बावन प्लस में कि माइनस में तो जी हाँ प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस बावन बहुत सुंदर जवाब प्लस बावन लेकिन रे बउआ जैसे ये ब्रैकेट के हटाबहू अब इतना के हल करे पर तो प्लस बावन अल लेकिन बाहर कथी माइनस तो माइनस आ प्लस माइनस न हो तो हिया माइनस लगते तीन के बाद कथी लगते माइनस क्योंकि माइनस प्लस माइनस आ तब ही बावन उतर जते तो कहानी एक खत्म है अब बड़ी ब्रैकेट से घेरा अब खाली बड़ी ब्रैकेट अब इन्ने बना दे पहले ये क्वेश्चन बा सेम टू सेम हिया छाप देते हैं ठीक है जे आया हुआ उत्ते डाटा दू माइनस बड़े ब्रैकेट तीन माइनस बावन तीन माइनस बावन घेरा गया। अब बताइए बउआ ये दू अब ई वाला साइन डायरेक्ट हम लिखे से तनिक घबराबे डायरेक्ट ना लिखबे सोच समझ के लिखबे पहले क्रिया कल हो एक बताबा तीन में से बावन घटब तो उनचास अतै हो अब उनचास तो आ गए ठीक बात है तो प्लस में थी कि माइनस में तो देखो तीन प्लस में है या बावन माइनस में है तो माइनस वाला ज्यादा है तो घटे के बाद माइनस में ना रिजल्ट तो चलिए ई ब्रैकेट के अंदर हल कलिए तीन में से बावन घटली तो माइनस उनचास आ ब्रैकेट के बाहर लगल है माइनस 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 यही तो खेला है मेरे दोस्त माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस। अभी बोले ना कि एक जैसा इंसान रहे तो गुना कराएंगे तो प्लस हो जाएगा एक जैसा इंसान रहेगा गुना कराएंगे तो प्लस हो जाएगा तो बताइए माइनस इतना के हल कर ली तो माइनस उनचास न ली हो तो माइनस 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 हाँ इतने के खेला है भले गलती बोला गया माइनस माइनस प्लस न तो प्लस ठीक है लिखल था। आप देखिए उनचास ये न कि लबाक सिक्का माइनस उनचास वाले हाल से का माइनस उनचास लिख देवे तो काम खराब हो जाएगा। ये ब्रैकेट तोड़े से पहले साइन के जरूर देख लिया हूँ आ ये नियम दम बच्चा बच्चा को ध्यान रखना है ना तो नियम फॉलो करते आए बन निमन से हाँ रिजल्ट लास्ट में गलती हो जाए। देखिए मेरे बउआ मेरे शेर मेरे बहादुर आप बताबू अब तो खाली जोड़े बचल तो जोड़बे न करबे तो घटा उटा है ना तो दू आ उनचास के जोड़ देबहू तो कितना जते इक्यावन आ प्लस प्लस दोनों हेते ही तो प्लस में ना इक्यावन मेरे शेर मेरे बहादुर इक्यावन हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो हम तोरा कहलिए कि एक लाइन में बन जाए कहे थे कि नहीं कि एक लाइन में बन जाएगा अब देखो कैसे बनै छी बउआ। चलिए देखिए पहले ये ब्रैकेट के काम कह के तो हम तीन लिख दिली अब देखो हमरा ऐसा मिल गए डाटा अब कैसे सॉल्व हो जाए छी एक लाइन में देखो ये काम तो वहाँ पर कर लेते क्वेश्चन इतने क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता ये क्वेश्चन को डायरेक्ट मॉडिफाई करके में कर देते देखो पहले बताब इन्ने से अभी तो पहले छोटकी के ना छोटी ब्रैकेट के ना ओहो में हम देख ली कि प्लस है भाग है का है तो इतना का मान तो चार तिया बारह अब बारह में चार से भाग देवे तो देखो यहाँ तीन देख मेरे शेर तीन में एक जोड़बे तो चार मतलब अंदर मान अल प्लस चार अंदर के मान अल प्लस चार आ बाहर है माइनस तो प्लस माइनस माइनस चार होते कि ना होते हो प्लस माइनस माइनस चार ब्रैकेट खत्म करे से पहले ये दोनों के साइन के गुना करब कि ना माइनस चार अब हमरा उन्ने के भूल जाए कि अब इतने ना बचल है मतलब ये खत्म हो के अब ये ना बचल होते ब्रैकेट अब देखो हियाँ गुना है या माइनस चार है तब तो पहले गुना के काम तो आठ सत्ते छप्पन तो प्लस छप्पन आ माइनस चार तो दोनों के घटबहू
तो बावन हती कि ना कथी में तो बताब प्लस है माइनस प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस बावन हो प्लस बावन आ गए मेरे शेर आ देखो ये ब्रैकेट खत्म हो से पहले ये देखती माइनस है तो माइनस प्लस माइनस एकर मतलब है कि माइनस बावन हमरा आ गए तो तीन में से माइनस बावन घटबू तो तीन में से तो उनचास होते अब बताब तीन प्लस वाला कम है या माइनस बावन ज्यादा है तो ये जब घटबू दोनों के तो माइनस उनचास नत हो मतलब इन्ने के काम कर लिए इतना के तो माइनस उनचास आ गया फिर ब्रैकेट तोड़े से पहले बड़ी ब्रैकेट देखा टोटे से पहले देखते हैं माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाती कि ना रे बउआ प्लस उनचास आ देखो प्लस उनचास आ इो प्लस है तो प्लस प्लस जुटे तो माइन प्लस दू आ प्लस उनचास जोड़ देव तो प्लस एकावन होते कि ना तनि ताक झाँक ले लास्ट में किया ले एक लाइन में कैसनों सरलीकरण का क्वेश्चन बनता है बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपना फर्ज निभाते रहिए हम अपना निभाते रहेंगे है कि ना। वीडियो शेयर तेयर करने की कोई आवश्यकता है नहीं, काला टेंशन दे दीजिएगा कोई को बिना बात को ठीक है अपने आप पहुंच जाएगा। आप लोग अच्छा से लाइक कमेंट कीजिएगा तो वीडियो देखिएगा तो वो अपने जहां तक पहुंचना होगा पहुंच जाएगा, आप इसका टेंशन नहीं लीजिए ठीक है। अच्छा से पढ़िए लिखिए चलिए। धन्यवाद टू वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू। अभी तक सब्सक्राइब ना कर ले बउआ तो सब्सक्राइब कर लो चैनल ठीक है।